रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक जूता पहनकर चला जा सकता है, लेकिन जूता के अंदर एक भी कंकड़ आ जाए तो एक अच्छी सी भी सड़क पर कुछ कदम चलना मुश्किल हो जाता है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें समझने के लिए पढ़ना पड़ता है। बुराई की खासियत है कि वो कभी हार नहीं मानता, और अच्छाई की खासियत ये है कि वो कभी हारता नहीं। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। अगर सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी आपको मुश्किलें, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि सफलता का मात्र एक ही रास्ता है, एक बार और प्रयास किया जाए। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। मेरी एक बात याद रखना, हमेशा शांत रहा करो, जीवन में खुद को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है और गर्म होने पर उसे कोई भी आकार दे दिया जाता है। समस्या को हल करने की तुलना में अधिकतर लोग समय और ताकत उससे जूझने में लगा देते हैं। अपना राज किसी के सामने तब तक प्रकट ना करो जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूर्ण ना हो जाए। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होती है। किसी समय लिफ्ट बंद भी हो सकती है, पर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की तरफ ही ले जाती है। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकलती हुई नदी ने आज तक रास्ते से ये नहीं पूछा कि समुंदर अभी कितना दूर है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। खुद के कामयाबी में इतना वक्त लगा दो कि लोगों के बुराई के लिए समय ही ना मिले। अगर अपने सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में बदलना है तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। भाग के दरवाजे पर सर पटकने से बेहतर है कर्म का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। अगर आप रेत पर अपने कदमों का निशान छोड़ना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, अपने कदमों को ही पीछे मत खींचना। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। ये आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। तभी तक पूछे जाओगे जब तक तुम काम आओगे, क्योंकि चिरागों के जलने के बाद तिलियों को बुझा दिया जाता है। अधिकतर कार्य में थकने के बाद ही जीत हासिल होती है। वक्त कहता है मैं फिर आऊँगा, क्या पता मैं तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल जी ले, क्योंकि इस पल को मैं भी अगले पल तक रोक ना पाऊंगा।